Hello and welcome, guys. Welcome to the Daily Current Affairs Analysis. My name is Kush Pandey and you're watching the Daily Current Affairs Analysis of the 13th of Feb 2021. Aap sabka dosto tahe dil se swagat hai hamare is edition mein. आप सब कैसे हो? बढ़िया होगे, बहुत मजा कर रहे होगे और अपनी तैयारी को और परफेक्ट कर रहे होगे. कोई भी दिन परफेक्ट नहीं होता, कोई भी टाइम परफेक्ट नहीं होता. जिस टाइम आपका मन करे अपने लाइफ को रिवाइव करने का, जिस टाइम आपका मन करे आपकी लाइफ को रीफिगर करने का, आप कर सकते हो. लाइफ में किसी की एक्सपेक्टेशन पर, लाइफ में किसी के कहने पर कभी मत आना. अपनी लाइफ को अपने उसूलों पर, अपने मॉडल पर, अपने आइडियल्स पर जीना. बिकॉज लाइफ एक बार मिलती है और इसे बेहतरीन तरीके से जीना. खुश रहने के लिए किसी एग्ज़ाम का निकालना ज़रूरी नहीं है. खुश रहने के लिए सिर्फ एक हल्की सी स्माइल करना ज़रूरी है और आपका वो मोमेंट बेहतर हो जाएगा. सो हेलो एंड वेलकम गाइज, माय नेम इज़ कुश पांडे और आप देख रहे हैं द डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस ऑन एग्जाम सेंट्रिक यूट्यूब चैनल. आप सबका तहे दिल से दोस्तों स्वागत है हमारे आज के एडिशन में. शुरू करते हैं गाइस. शुरू करने से पहले, हमारा जीए का वीडियो मेंस का कोर्स आ चुका है. सिर्फ 249 रुपीस का है और इस पे आप एग्जाम 10 का कोड यूज करके और डिस्काउंट भी पा सकते हैं. ये लाइव कोर्स नहीं है, ये एक वीडियो कोर्स है जहां पर मेरा पिछले बैच के सारे वीडियोस आपको ओनली 249 में मिल जाएंगे. तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी, एसबीआई, आईबीपीएस किसी भी एग्जाम के लिए, तो उसका जीए का जो कोर्स है वो आपको सिर्फ 249 में इस कोर्स से मिल जाएगा. चलिए, कल हमने आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे. उनमें पहला हमारा सवाल आपसे था, इनमें से वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने 5 लाख रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस आपका अनाउंस किया है फॉर ऑल दी ओलंपिक क्वालिफायर्स. तो उनका नाम था, उस स्टेट का नाम था हरियाणा. उसी स्टेट के सीएम आपके सामने दिए हुए हैं. ये हैं वो सीएम जो कि आपके सामने मेंशन किए गए हैं, जिनका नाम है आपका मनोहर लाल खट्टर जी. इनका नाम यहाँ पर आपके सामने दोस्तों जो है वो मेंशन किया गया है. इनका नाम है आपका मनोहर लाल खट्टर. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए था, कोविड वॉर मेमोरियल इनमें से कहाँ पर सेटअप हुआ है. तो इसका जो आंसर आपके सामने है दैट इज उड़ीसा. और यहाँ के सीएम की फोटो भी आपके सामने दी हुई है. इनका नाम है दोस्तों आपका श्री नवीन पटनायक. सबसे पहले जो आंसर दिया था हमारे क्वेश्चंस का, उनके नाम है विकास खन्ना. और सेकेंड आंसर दिया था आपका प्रकाश चंद्र जैना ने. सो कंग्रेचुलेशंस फॉर गिविंग द फर्स्ट आंसर्स. बाकी अगर आपको भी होमवर्क के आंसर्स देने हैं तो मेरी ईमेल आईडी पांडे pandey.22k@gmail.com पर आप जाके आंसर्स दे सकते हैं. तो गाइस चलिए शुरू करते हैं सेशन को. एक बार फटाफट स्टार्ट करते हैं सेशन को. जरा एक बार कमेंट कर देना, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, हम लोग रेडी हैं और हम लोग तैयार हैं. तो चलिए स्टार्ट करें एंड ले चलें आपको हमारे आज के रिवीजन टाइम पे. कितने लोग को गाइस रिवीजन करना है? बिकॉज कल बहुत सारे मेल आए कि सर आप बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो पर एक बार रिवीजन भी स्टार्ट कर दो, बिकॉज रिवीजन से हमारा पिछले डे का सारा जो डेटा है वो याद रहता है. तो आई होप आप लोग रिवीजन के लिए बिल्कुल तैयार हैं. तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल सैंक्शन म्यांमार ड्यू टू इट्स कूप. इनमें से वो कौन सा कंट्री है जिस जो म्यांमार को सैंक्शन करेगा ड्यू टू इट्स कूप. इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड या फिर आपका BND. तो यहाँ आंसर है आपका ऑप्शन ई, दैट इज BND. यूएसए भी करेगा और आपका न्यूजीलैंड, दोनों ही देश यहाँ पर ये सैंक्शन करेंगे. गाइस इंडिया आपका अभी न्यूज़ में है बिकॉज इंडिया में अभी हाल ही में इंडियन ओशियन रीजन कॉन्क्लेव आपका हुआ था जो कि बेंगलुरु में आपका ऑर्गेनाइज हाल ही में किया गया. उस वजह से इंडिया आपका न्यूज़ में है. यूएसए आपका न्यूज़ में है बिकॉज ये फिर से मेंबर बनेगा ऑफ द UNHRC, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल. पाकिस्तान आपका न्यूज़ में है बिकॉज इसने हाल ही में शाहीन 3 जो आपकी एक मिसाइल है उसको टेस्ट फायर किया है, उस वजह से ये आपका न्यूज़ में है. न्यूजीलैंड आपका दोस्तों न्यूज़ में है बिकॉज न्यूजीलैंड ने आपका, जैसे मैंने पहले कहा, बैन लगाया है म्यांमार के सारे आपके पॉलिटिकल मिलिट्री ऑपरेशंस पर. उनके रिश्ते उसने दोस्तों यहाँ पर ख़त्म कर दिए हैं. क्वेश्चन 2 पे चलते हैं,
Tianwen-1 is a space probe of which country? इनमें से किस देश का आपका एक स्पेस प्रोब है Tianwen-1? फटाफट बताइएगा, ये अभी आपका न्यूज में था। तो ये आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज चाइना। यहाँ पर सेकेंड चीज आपको याद रखनी है, इनमें से किस कंट्री के साथ इंडिया ने शतूत डैम का कंस्ट्रक्शन का बीड़ा उठाया है। शतूत डैम विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया एंड विच अदर कंट्री? तो इसका आंसर होगा आपका अफगानिस्तान, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर टू यहां पर बनेगा, इनमें से किस पर्टिकुलर कंट्री ने 14 वीक प्रेगनेंसी को अलाउ किया है कि 14 वीक प्रेगनेंसी पर आप अबॉर्शन कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर कंट्री का नाम क्या है? फटाफट बताइएगा, ये सवाल मेरे रेगुलर व्यूअर्स से है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर थ्री बनेगा, इनमें से कहां पर COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो वो आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम में दोस्तों ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि एशिया पैसिफिक पब्लिक हेल्थ इंडेक्स में इनमें से वो कौन सा कंट्री है जो 11th रैंक पे है, इंडिया के बाद 11th रैंक पे है? तो उस कंट्री का दोस्तों जो नाम है, जो पब्लिक हेल्थ इंडेक्स में आपका 11th पे है, उसका नाम है आपका ऑप्शन सी, दैट इज इंडोनेशिया। क्या बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस शैल टेक प्लेस इन द इंडियन ओशन रीजन? इनमें से वो आपकी कौन सी एक्सरसाइज है जो इंडियन ओशन रीजन में आपकी हुई? एम्फेक्स, कवच, युद्ध अभ्यास, ट्रॉपिक्स या फिर आपका डेजर्ट नाइट? तो इसका आंसर कल ही डिस्कस किया था मैंने, इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज TROPX। ट्रॉपिक्स आपकी एक्सरसाइज है जो आपकी इंडियन ओशन रीजन में हो रही है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज ट्रॉपिक्स। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो एम्फेक्स और कवच, ये दोनों ही आपका अंडमान निकोबार कमांड जो है, जो इंडिया का ओनली ट्राई सर्विसेज कमांड है, वहां पर हो रहा है। इस वजह से आपका कवच और एम्फेक्स इंपॉर्टेंट है। ये आपका इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और आपका इंडियन कोस्ट गार्ड, वो लोग मिलकर करा रहे हैं, इस वजह से ये काफ़ी आपका रेलिवेंट है। युद्ध अभ्यास आपका इंडिया और यूएसए के बीच स्टार्ट हुआ है। ट्रॉपिक्स आपका है बिल्कुल सही, और डेजर्ट नाइट इंडिया और फ्रांस के बीच है, जो हाल ही में हुआ और ये जोधपुर में आपका हाल ही में कराया जा रहा है, उस वजह से डेजर्ट नाइट जो है वो न्यूज़ में बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच स्टेट हैज अपॉइंटेड हिमा दास एज अ DSP ऑफ इट्स स्टेट पुलिस? इनमें से वो कौन सा आपका राज्य है जिसने हिमा दास को अपने स्टेट का DSP, अपने स्टेट के पुलिस में DSP, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की उपाधि दी है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात या फिर आपका असम? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ई, असम की ये बिलोंग करती हैं और इन्हें DSP अपने स्टेट पुलिस में दोस्तों जो है वो बनाया गया है। अगर हम हिमा दास की बात करें तो इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से आपका हम जानते हैं और इन्हें इनकी स्टेट पुलिस ने दोस्तों ये बनाया है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र आपका न्यूज़ में था बिकॉज जुडिशरी रिपोर्ट में ये इंडिया का आपका नंबर वन स्टेट आया है। उत्तर प्रदेश आपका दोस्तों न्यूज़ में था बिकॉज इसने लॉन्च किया है आपका किसान कल्याण योजना, जिसमें ये किसान के वेरियस अवेयरनेस फैलाएगा और उनकी इनकम को डबल करने में आपका हेल्प करेगा। कर्नाटका आपका न्यूज़ में है बिकॉज ये इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का आपका नंबर वन स्टेट है। इसके अलावा इसने अवलोकना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, कई सारे रीजंस हैं इनके न्यूज़ में होने के। सिमिलरली गुजरात की बात करें तो गुजरात आपका न्यूज़ में है। गुजरात आपका न्यूज़ में क्यों है? गुजरात आपका न्यूज़ में है बिकॉज यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टिंग प्लांट आपका दोस्तों जो है वो बनाया जाएगा, उस वजह से ये न्यूज़ में है। बाकी असम तो ऑलरेडी हमने बता दिया। गाइस सब लोग इंजॉय कर रहे हैं सेशन को, एक बार ज़रा प्लीज़ गिव मी अ यस 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 यस। इन द मीन टाइम आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू कॉपी द लिंक ऑफ द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर द लिंक ऑन योर टेलीग्राम। टेलीग्राम पे जाके ज़बरदस्त तरीके से वीडियो को शेयर करो। ये सेशन आपका रोज़ 7 AM पे आता है और आपको रेगुलर रहना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि ये रहा, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक इनमें से किस दिन आपका, इनमें से किसने आपका लॉन्च किया है?
सेबी, आरबीआई, सेल, एनआईआईएफ या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर जो आपके सामने है, द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज इट्स ऑप्शन बी, इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ने इस हफ्ते को आपका दोस्तों जो है वो स्टार्ट किया है, तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब मेरा यहाँ पर आपसे पहला सवाल है, पहली बात तो आप लोग क्वेश्चंस के लिए रेडी हो तो क्या बात है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, इनमें से किसे बजट के अंदर गोल्ड एक्सचेंज का रेगुलेटर आपका बनाया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ गोल्ड एक्सचेंज रेगुलेटर? आंसर है आपका सेबी। इनमें से सोमा मोंडाल, जो कि सवाल आपका SBI PO में आया था, सोमा मोंडाल इज द फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज सेल। इनमें से NDB ने $100 million किसको प्रोवाइड किए हैं एज अ फाइनेंशियल एड? $100 million, तो वह ये कल की खबर है। NIIF को उन्होंने $100 million जो हैं वो आपके प्रोवाइड किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि ये रहा आपके सामने, इनमें से वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जिसने टाई अप किया है लोन टैप क्रेडिट के साथ फॉर को लेंडिंग टू दी MSMEs? मैं रिपीट फिर से कर दूंगा गाइस, MSMEs को लेंडिंग करने के लिए इनमें से किस संगठन ने आपका लोन टैप क्रेडिट के साथ अग्रीमेंट किया है फॉर लेंडिंग टू दी MSMEs? तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइएगा। इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज ऑप्शन डी, इट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसने लोन टैप क्रेडिट के साथ आपका टाई अप किया है। इनमें से भारत एडवांटेज या किसान सखा, ये दो अग्रीमेंट्स किसने किए हैं? भारत एडवांटेज और किसान सखा, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स हैं, ये किसने, किस संस्था ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किया है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज भारतीय एक्सा। क्वेश्चन नंबर टू बनेगा, इंस्टा फॉरेक्स, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका हूँ, इंस्टा फॉरेक्स जो है आपका, ये इनमें से किसने लॉन्च किया है फॉर इमीडिएट फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस सर्विसेज? आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज ICICI बैंक। क्वेश्चन नंबर टू, इनमें से किसने ओरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है विच हैज हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बेनिफिट्स? ओरा क्रेडिट कार्ड, तो ये ओरा क्रेडिट कार्ड जो है ये एक्सिस बैंक ने आपका दोस्तों जो है वो लॉन्च किया है। और आखिरी में, इनमें से किसने लॉन्च किया है आपका एक कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड फॉर माइनर्स, उसका वो किसने लॉन्च किया है? वेल, उसका आंसर है आपका फेडरल बैंक, उसने माइनर्स के लिए एक फेडरल फॉरेक्स आपका डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसमें ₹2500 उसकी वर्थ है, और POS टर्मिनल से उसका जो विड्रॉल है वो आपका ₹10000 है। तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन ई, दैट इज द फेडरल बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स इनमें से किस स्टेट में आपके लोकेटेड हैं? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर आपका राजस्थान? कहाँ पर लोकेटेड हैं आपके भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स? तो भीमबेटका के जो रॉक शेल्टर्स हैं, अभी न्यूज़ में थे, बिकॉज यहाँ पर जो लास्ट रिमेन्स हैं ऑफ द अर्थ ओल्डेस्ट एनिमल, वो उसका इमेज यहाँ पर मिला है, उसके रेलिक्स मिले हैं, यहाँ पर रेलिक इमेज मिली है बेसिकली उसके केव पर। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज मध्य प्रदेश। क्वेश्चन वन बनेगा, अजंता एंड एलोरा केव्स, ये क्योंकि सिमिलर सवाल है, अजंता एलोरा केव्स इनमें से किस स्टेट में है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, कुशीनगर जो है वो इनमें से किस स्टेट में है, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर थ्री, इनमें से किस स्टेट में आपका चंदौली है, जहाँ पर हाल ही में अभी एक क्लाइमेट कलामिटी आई है। और आखिरी सवाल, माउंट आबू इनमें से किस पर्टिकुलर स्टेट में है? तो पहले का आंसर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आंसर है आपका महाराष्ट्र। सेकंड का जो आंसर है दैट इज उत्तर प्रदेश। थर्ड का जो आंसर है दैट इज उत्तराखंड। एंड फोर्थ का जो आंसर है दैट इज आपका राजस्थान। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको, क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, वर्ल्ड यूनानी डे इनमें से किस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं? व्हेन इज द वर्ल्ड यूनानी डे बेसिकली सेलिब्रेटेड? फटाफट जरा इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है आपका ऑप्शन ई, 11th of February। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो 2nd February को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, बिल्कुल सही। 4th February को हम ऑब्जर्व करते हैं द वर्ल्ड कैंसर डे, बिल्कुल सही। 6th February को हम 6th February क्या मनाते हैं, 6th February को क्या मनाते हैं गाइस, फटाफट बताइएगा जल्दी से मेरे को, 6th February को क्या होता है आपका,
इस दिन मनाते हैं हम जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, उसको उस दिन को हम यहाँ पर मनाते हैं जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, दैट इज द डे वी ऑब्जर्व ऑन द 6th of February. ठीक है, 8th of February को क्या ऑब्जर्व करते हैं? 8th of February को दोस्तों हम ऑब्जर्व करते हैं एनीवन, यस, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, बिल्कुल सही आंसर है आपका, और 11th February को तो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। क्लियर हो गया सबको? एक बार सब जरा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और जरा इसको एक बार लिख लीजिएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट फिगर है और इसको आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इनमें से किस स्टेट में आपका सिचुएटेड है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, आंध्रा या फिर आपका वेस्ट बंगाल? कौन सा स्टेट है जहां पर JNPT आपका सिचुएटेड है? तो इसका आंसर जो आपके सामने है, द आंसर इज इट्स ऑप्शन ए, दैट इज महाराष्ट्र में आपका जो JNPT पोर्ट है वो आपका यहां पर सिचुएटेड है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज महाराष्ट्र, बिल्कुल सही आंसर है। श्रेयसी मजूमदार, अगर आपको डेट नहीं याद रहती हैं, आप रेगुलरली सेशन को फॉलो कर लो, आपको डेट्स याद होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यहाँ पर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल यू फाइंड द दीनदयाल पोर्ट? इनमें से कहाँ पर आप दीनदयाल पोर्ट को पाओगे, ऑल्सो नोन एज द कांडला पोर्ट? तो उसका आंसर है आपका गुजरात। इनमें से कौन सा वो स्टेट है जहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट उसी पर्टिकुलर स्टेट में है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है वो आपका वेस्ट बंगाल में है। इनमें से वो कौन सा स्टेट है जहाँ पर आप हाल ही में मैरीगोल्ड की एक नई वैरायटी आई है उसको खोजा गया है, इट्स अ न्यू वैरायटी ऑफ मैरीगोल्ड? तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज कर्नाटका, वहाँ पर इसको खोजा गया है। आगे बढ़ते हैं, हु हैज़ वन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड? इनमें से किसे दोस्तों आपका वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो नवाजा गया है? विकास खन्ना, रॉबर्ट अर्विन, शॉन कॉनरी, शिंजो अबे या फिर SP बालासुब्रमण्यम, किनको ये नवाजा गया है? तो इसका आंसर जो आपके सामने है, द आंसर इज इट्स ऑप्शन बी, इट इज रॉबर्ट अर्विन, उनको वाइल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के खिताब से आपका दोस्तों नवाजा गया है, दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलियन बुश फायर की फोटो इन्होंने ली थी और उस वजह से इनको ये खिताब आपका जो है वो दिया गया। विकास खन्ना को दिया गया है मदर टेरेसा सोशल जस्टिस अवार्ड, उस वजह से ये आपके न्यूज़ में है। इसके अलावा ये न्यूज़ में है बिकॉज इनकी एक फिल्म आई, उस फिल्म का नाम है द लास्ट कलर, बिकॉज ऑफ दैट इज वेल ही इज इन द न्यूज़। शॉन कैनरी 90 ईयर्स में इनका देहांत हो गया, ही वॉज द फर्स्ट जेम्स बॉन्ड, इस वजह से काफ़ी फेमस थे। शिंजो एब की बात करें तो इन्होंने रिज़ाइन किया है एज अ PM ऑफ जापान एंड इनको पद्मा विभूषण, इंडिया का जो सेकेंड हाइएस्ट ऑनर है वो ऑनर इनको दोस्तों नवाजा गया। और सेम आपका SP बालासुब्रमण्यम जी को भी वही अवार्ड आपका जो है वो दोस्तों दिया गया। सो दैट इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, सो गाइज आप सबका वार्म अप हो गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको कंटिन्यू करें, प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप जल्दी से, बिकॉज ये आपके डिमांड पर ही हमने वापस रिज्यूम किया है। तो अब आई होप एवरीवन इज रेडी, सबका वार्म अप हो चुका है। अब जरा आते हैं हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ठीक है, चलिए आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर, पहले हेडलाइन पर, जो कि ये रहा, जो बाइडन हैज रिवोक्ड द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेरेशन यूज्ड टू फंड द मेक्सिको बॉर्डर वॉर। डोनाल्ड ट्रंप जब सरकार में आए थे या उससे पहले, ही हैड कैटेगोरिकली सेड कि ही विल बिल्ड अ वॉल अराउंड द US मेक्सिको बॉर्डर सो दैट नो मेक्सिकन कैन एंटर द US सॉइल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बॉर्डर। इसके लिए एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेरेशन आपका दोस्तों बना था। अब फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि आपका ये जो डिक्लेरेशन है इस फंड को यूज नहीं किया जाएगा फॉर द मेक्सिको बॉर्डर। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये आपके सामने दिया हुआ है, US एलपैसो एंड एलपैसो बॉर्डर और मेक्सिको का सियुदाद जुआरेस, ये एक बॉर्डर है। इसके 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 लेंथ में आपका एक वॉल बननी थी, पर अब वो वॉल आपकी फंड नहीं होगी, वो वॉल आपकी अब नहीं बनेगी, ऐसा अपडेट यहाँ पर जो US गवर्नमेंट है उसने दोस्तों दिया है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये वॉल आपकी कैसे बनने वाली थी। यहाँ पर ये पॉइंट था,
जहाँ पर आपका एक कंस्ट्रक्शन होता, और एक कंस्ट्रक्शन आपका जो होता, इट वुड हैव डिवाइडेड मेक्सिको एंड यूएसए फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वॉल। तो ये वॉल अब आपकी जो है वो नहीं बनने वाली है, देर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ द वॉल। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, अनाउंसिंग दैट इट शैल बी द पॉलिसी ऑफ द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन दैट अमेरिकन टैक्स पेयर्स मनी विल नॉट बी डाइवर्टेड टू कंस्ट्रक्ट अ बॉर्डर वॉल नाउ एट द यूएस बॉर्डर विद मेक्सिको। स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है विल नॉट बी डाइवर्टेड, मतलब उस पैसे का, उस टैक्स पेयर मनी का इस्तेमाल, उपयोग बॉर्डर बनाने के लिए आपका नहीं किया जाएगा। ये अपडेट यहाँ पर दी गई है। अगर हम यूएस की बात करें तो पिछले कुछ महीनों में यूएस इन एंड इनफैक्ट आफ्टर इलेक्शन बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, जैसे कि जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था, यूएस ने सैंक्शन किया है म्यांमार को बिकॉज ऑफ द कू। यूएस के बने हैं नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन, और यूएस की 49th वाइस प्रेसिडेंट बनी है, और पहली अफ्रीकन एंड पहली वुमन आपकी बनी है प्रेसिडेंट, का नाम है आपका कमला हैरिस। दोनों को ही दिया गया है टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब, उस वजह से भी दोनों न्यूज़ में हैं। और अपने प्रेजेंट बनने के बाद 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का जो एक प्लान है उसको इन्होंने अप्रूव किया है, और इन्होंने क्यूबा को कंटिन्यू किया है एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, उस वजह से भी आपका न्यूज़ में है। इसके अलावा ये पेरिस अग्रीमेंट को इन्होंने फिर से ज्वाइन किया है, इसका अपडेट भी दोस्तों ये दे चुके हैं आपका, उस वजह से भी ये आपका दोस्तों न्यूज़ में बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पर, ये रहा आपके सामने। पाकिस्तानी आर्मी ने अपना एक और क्रूज मिसाइल टेस्ट किया है, और उसका नाम है आपका दोस्तों बाबर। सो पाकिस्तानी आर्मी हैज कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च ऑफ अ सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल बाबर, उसको उन्होंने दोस्तों टेस्ट किया है। बेसिकली ये एक शॉर्ट रेंज की सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। जो लोग नहीं जानते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली फॉलोज अ पाथ ऑफ पैराबोला, और जो उसका डिज़ायर टारगेट है उसको वो हिट करती है। इस वजह से ये काफ़ी काफ़ी डिज़ायर्ड मिसाइल भी है, बिकॉज ये एक डिज़ायर टारगेट को आपका हिट करती है बाय फॉलोइंग अ पैराबोलिक पाथ। इसका जो आपका रेंज है वो रेंज आपका है अप टू 490 किलोमीटर्स। तो अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों में इन्होंने शाहीन 3 लॉन्च किया है। इसके अलावा इन्होंने, अगर मैं याद आ रहा है मुझे, तो इन्होंने फतेह करके भी इन्होंने एक मिसाइल लॉन्च की है। तो बिकॉज ऑफ दीज ये आपका काफ़ी न्यूज़ में आपका बने हुए हैं। इनफैक्ट इनका शहर लाहौर भी आपका न्यूज़ में है, बिकॉज एज पर दी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स दुनिया का सबसे जो प्रदूषित शहर है वो आपका दोस्तों लाहौर है। इंडिया का दिल्ली सेकंड पे आता है, पर पाकिस्तान का लाहौर जो है वो इसमें फर्स्ट पे आता है, उस वजह से भी पाकिस्तान जो है वो आपका न्यूज़ में बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले हेडलाइन पर। उससे पहले स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इससे कुछ टाइम पहले इन्होंने गजनवी लॉन्च किया था, जो कि एक सर्फेस टू सर्फेस बैलिस्टिक एयर मिसाइल है। इन्होंने फतह 1 लॉन्च किया था, जो कि एक रॉकेट सिस्टम है। इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ये 10th मोस्ट पावरफुल कंट्री है इन टर्म्स ऑफ इट्स फायर पावर। इंडिया जो है यहाँ पर 4th पे है, और यूएसए आपका यहाँ पर 1 पे है। इसके अलावा इन्होंने परमिट किया है दुबई रॉयल्स को कि वो हुबारा बस्टर, जो कि एक जानवर है आपका पाकिस्तान में, उसको हंट कर सकते हैं। उसके लिए भी पाकिस्तान आपका जो है वो न्यूज़ में बना हुआ था। क्लियर हो रहा है सबको, समझ में आ रहा है सबको, क्या बात है। चल आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हेडलाइन पर, जो कि ये रहा, भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यानी एक्सिम बैंक, वो $400 मिलियन प्रोवाइड करेगा फॉर द ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट टू द मालदीव्स। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो कनेक्ट करेगा सीवेज को, इनफैक्ट कंस्ट्रक्ट करेगा वहाँ पर पोर्ट्स को एज वेल एज प्लांट्स को, जिससे कनेक्टिविटी जो मालदीव्स की है वो बेटर हो जाए। तो उसके लिए इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, इट विल प्रोवाइड $400 मिलियन फॉर द ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। स्क्रीन पे आइए देख सकते हैं, ये रहा आपके सामने। बेसिकली इतना अमाउंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और इसकी जानकारी, इसकी इंफॉर्मेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड की कि एक्सिम बैंक जो है वो $400 मिलियन मालदीव्स को आपका प्रोवाइड करेगा। अगर हम मालदीव्स की बात करें तो मालदीव इज़ अ कंट्री विच इज़ इन द इंडियन ओशन एडजेसिंग टू द अरेबियन सी एंड अ लोकेटिव सी। इट इज़ अ कमेमोरेशन ऑफ स्मॉल आइलैंड्स, छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर आपका ये बना है,
जिन्हें हम अटॉल कहते हैं, और इन्हीं आइलैंड्स को मर्ज कर दो तो आपका मालदीव्स बनता है। इंडिया हमेशा से मालदीव्स का ट्रेडिंग पार्टनर रहा है और एग्जिम बैंक इससे पहले भी करीब $800 मिलियन उन्हें प्रोवाइड कर चुका है। सो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, ताकि ये जो आपके एरियाज़ हैं इनको कनेक्ट किया जाए, उसके लिए इसका नाम है आपका ग्रेटर माले प्रोजेक्ट, उसके लिए उसने प्रोवाइड किए हैं अब फिर से आपके $400 मिलियन। ये अमाउंट किसने प्रोवाइड किया है आपका? ये अमाउंट एग्जिम बैंक ने आपका दोस्तों जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। ये वर्ड यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है? चलो आगे बढ़े गाइस। अभी हाल ही में फिर से इंडिया और चाइना के बीच आपका एक खबर न्यूज़ में है, एंड यहाँ पर खबर अच्छी है। खबर है कि देर इज़ अ न्यू डिसएंगेजमेंट। क्या वर्ड है ये? डिसएंगेजमेंट। अब द क्वेश्चन इज, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड डिसएंगेजमेंट? देखो, डिसएंगेजमेंट समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा एंगेजमेंट क्या होता है। एंगेजमेंट क्या होता है? पहली बात तो कई लोग लिखेंगे एंगेजमेंट मतलब होता है सगाई, रोका। भैया हम शादी की बात नहीं कर रहे, मुझे पता है आपको शादी करनी है जॉब के बाद, पर हम शादी की बात नहीं कर रहे हैं। डिसएंगेजमेंट मतलब होता है कि जब दो फोर्सेस किसी वॉरफेयर में या किसी पर्टिकुलर पोस्ट में किसी छुटपुट हिंसा में आपकी एंगेज हो। फॉर एग्जांपल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, अगर इस पर्टिकुलर लाइन पर आपकी चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी एंगेज है, मतलब वो वॉरफेयर में इन्वॉल्व है, और अगर इसका ही उल्टा कर दें दैट इज डिसएंगेजमेंट, तो वो अपने अपने पोर्ट से वापस जा रही हैं। तो चाइना जो है, जो कि 8 किलोमीटर अंदर आ गया था, अब फिंगर एट तक आ गया था, अब वो इससे पीछे जा रहा है, और इंडिया भी अपनी पोजीशन को पीछे कर रहा है। तो एक लेटेस्ट डिसएंगेजमेंट आपका हुआ है इंडिया और चाइना के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। ये जो रीजन है जहाँ पर डिसएंगेजमेंट हो रहा है, वो रीजन आपका है दी पैंगोंग सो लेक, जो कि एक मशहूर लेक है आपकी लद्दाख की, जिसका मैक्सिमम हिस्सा चाइना में आता है और 1/3 हिस्सा इंडिया में आता है। उसी लेक पर जो ये एक एंगेजमेंट हुआ था इंडिया और चाइना का के फोर्सेस का, उसमें अब कमी आई है। इस वजह से मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बता रहा हूँ। बड़ी नाइंसाफी है गाइस, 590 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 94 लाइक्स हैं। जरा दबा के वीडियो को शेयर करो, लेट्स क्रॉस 200 लाइक्स। फटाफट एवरीवन लाइक को बढ़ाते रहो। चलिए, क्लियर हो गया आपको? ये स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। द डिसएंगेजमेंट इज अलोंग द नॉर्थ एंड द साउथ बैंक्स ऑफ पैंगोंग लेक इन लद्दाख। द फर्स्ट स्टेप टू रिजॉल्व द स्टैंड ऑफ बिटवीन द बोथ कंट्रीज आपका शुरू हुआ है, जब LAC पर उन्होंने अपने पोजिशंस को पीछे करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस वजह से ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, चाइनीज ट्रूप जो हैं, दे विल गो बैक टू फिंगर 8 पोजिशन फ्रॉम देयर फिंगर 4 पोजिशन, तो वो पीछे जाएंगे। और इंडियन ट्रूप भी जो हैं आपके, वो आपके स्टेशन है धन सिंह थापा पोस्ट पर नियर फिंगर 3, तो वो लोग अपनी अपनी पोजिशन पर वापस जाएंगे। जो अप्रैल से पहले जो पोजिशन थी, बिफोर द लॉकडाउन एंड एवरीथिंग हैपेंड, उस पोजिशन पर दोस्तों ये दोनों कंट्रीज आपकी अब वापस जाएंगी। तो उस वजह से ये खबर जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैप है, बिकॉज इनमें मैंने आपको वो एरियाज बताए हैं जो डिस्प्यूटेड हैं, ठीक है? जैसे कि अगर हम जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख की बात करें, तो यहाँ पर एक POK है जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। फिर सियाचिन ग्लेशियर पर आपका काफ़ी वॉरफेयर रहता है। फिर एक रीजन है इंडिया चाइना के बीच अक्साई चिन, वहाँ पर रहता है। इंडो नेपाल के बीच आपका रहता है काला पानी, इट्स नॉट काली पानी, इट्स काला पानी, जिसको नेपाल कहता है कि एज पर द ट्रीटी ऑफ सिगौली ट्रीटी की वजह से ये जो काला पानी का एरिया है, जो पिथौरागढ़ का एरिया है, वो उनका है, उस वजह से काला पानी भी इंडिया नेपाल के साथ रहता है। और अरुणाचल प्रदेश का जो ये पूरा हिस्सा है, इस हिस्से को भी चाइना अपना पार्ट मानता है, ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया बेसिकली कौन कौन से वो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं इंडिया चाइना नेपाल और पाकिस्तान के बीच। इंडिया बांग्लादेश के बीच भी कुछ एरिया डिस्प्यूटेड थे असम में, पर इंडिया और चाइना और बांग्लादेश ने, इंडिया के उस समय के PM मनमोहन सिंह ने और उस समय की PM और अभी की PM शेख हसीना ने, उन्होंने अग्रीमेंट किया था और एरियाज का स्वैपिंग किया था बांग्लादेश और इंडिया के बीच, जो कि असम में था। तो वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, पर ये अभी भी प्रॉब्लम बनी हुई है आपकी, जो कि इंडिया की है चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ और नेपाल के साथ। अगर आपको ये मैप समझ में आया है, एक बार ज़रा कमेंट कर दीजिएगा विद अ थम्स अप, ठीक है? चलो हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हरसिमरन, कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में आपकी एक लेक है सोकर, जो कि अभी आपकी एक रामसर साइट भी आपकी बनी है,
ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेगमेंट। स्क्रीन पर नेक्स्ट सेगमेंट जाने से पहले जैसे कि मैं और आपको डिटेल में जाऊँ, तो ये आपके सामने रीजन है, दैट इज़ गिलगित बलूचिस्तान, जो कि POK में है। ये काफ़ी अभी आपका न्यूज़ में बना रहता है। इसके अलावा गलवन वैली बनी हुई थी, जहाँ पर आपका द इनफेमस आपका डिस्प्यू आपका वॉरफेयर हुआ था इंडिया और चाइना के बीच, उस वजह से वो न्यूज़ में है। इसके अलावा पैंगोंग लेक अभी न्यूज़ में थी, बिकॉज पैंगोंग लेक पे ही तो पूरा इशू चल रहा है, जहाँ पर लाइन फिंगर 8 पर जो एक एक आपका लोकेशन है, वहाँ पर चाइना आ गया था और फिंगर 3 पे इंडिया था। तो ये भी मैप आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पर, जो कि ये रहा आपके सामने। मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे द मैरिटाइम इंडिया समिट 2021, और इनॉग्रेशन दोस्तों वो करेंगे ऑन द 2nd of March, 2 मार्च को आने वाले महीने में मोदी जी जो है वो इनॉग्रेट करेंगे द मैरिटाइम इंडिया समिट 2021। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग वाटरवेज ने, और इसको इसका नॉलेज पार्टनर है आपका अर्नस्ट एंड यंग, और इसका इंडस्ट्रियल पार्टनर है आपका फिक्की। तो मैं रिपीट फिर से कर दूंगा, इस EY और फिक्की दोनों ने अग्रीमेंट किया है, जिसमें EY जो है वो नॉलेज पार्टनर होगा इस इवेंट का, और फिक्की इसका इंडस्ट्रियल पार्टनर होगा, और इसको ऑर्गेनाइज किया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने, जिसके मिनिस्टर का नाम देखिए दिया हुआ है, उनका नाम है आपका मनसुख मांडविया। तो इसी पर्टिकुलर समिट को मोदी जी जो हैं वो आपका 2nd मार्च को इनॉग्रेट करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, सक्षम पोर्टल एंड सीवीड मिशन को लॉन्च किया है आपके TIFAC ने, TIFAC ने हाल ही में वो अपने 34th फाउंडेशन डे पर सक्षम पोर्टल और सीवीड मिशन को उन्होंने दोस्तों लॉन्च किया। सक्षम पोर्टल की बात करें तो सक्षम पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है ताकि जो जॉब्स हैं जो इंडिया में स्किल वर्कर्स हैं उनकी मैपिंग की जाए, और उनको उनके रिक्वायरमेंट से उनको डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जॉब प्रोवाइड की जाए। तो मैं रिपीट फिर से कर दूंगा गाइस, सक्षम पोर्टल विल बी अ जॉब सर्च पोर्टल लाइक लिंक्डइन और लाइक naukri.com, जहां पर बेस्ड ऑन योर स्किल्स बेस्ड ऑन योर जॉब रिक्वायरमेंट जो आपका ये पोर्टल है, वहाँ पर MSME सेक्टर में अलग अलग इंडस्ट्रीज में जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी। तो एक ये सरकारी पोर्टल है जिसको लॉन्च किया गया है इन कोलैबोरेशन विद सैपियो एनालिटिक्स एंड TIFAC, और ये मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका MSME है उसके अंडर आपका ये वर्क करेगा। तो रिपीट फिर से कर दूं आपके लिए गाइस, क्वेश्चन आपसे बन सकता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल विल हैज़ बीन सेटअप फॉर जॉब एंड मैपिंग ऑफ स्किल्स टू MSME इंडस्ट्रियल वर्कर्स। आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा आपका सक्षम। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बनेगा, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द सक्षम पोर्टल, तो उसका आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ MSME, जिसने इसको अलग अलग वर्टिकल्स में, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग हो चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, अलग अलग मिनिस्ट्री में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स है उन्होंने सीवीड मिशन को भी लॉन्च किया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि सर ये सीवीड मिशन बेसिकली होता क्या है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सीवीड्स मिशन। तो इसका मतलब होता है कि जो कमर्शियल फार्मिंग है सीवीड्स को और उसकी जो प्रोसेसिंग है उसको बूस्ट करने के लिए आपका ये मिशन जो है समुद्री शैवाल मिशन या सीवीड मिशन जो है उसको आपका लॉन्च किया गया है, टू प्राइमरली इंक्रीज द कमर्शियल फार्मिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ द सीवीड्स। उसके लिए इसको दोस्तों जो है वो आपका लॉन्च किया गया है, उसी मिशन का नाम जो है दैट इज द सी मिशन। आगे बढ़ते हैं, आप में से कितने लोग को याद है कि कुछ महीने पहले मन की बात में मोदी जी ने इंडिया की टॉय इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो इंडियन टॉय इंडस्ट्री है वो अभी बहुत अंडर टैप्ड है, वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत कुछ हो सकता है, उस इंडस्ट्री को हम वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबल लेवल पर एक लीडर बना सकते हैं, जिसमें इंडियन मैथोलॉजिकल फिगर्स पर इंडियन कल्चरल फिगर्स पर हम टॉयज बना सकते हैं। तो उसी पहल में भारत का, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, भारत का जो पहला इंडिया टॉय फेयर है वो आपका फेब 27 से मार्च 2 के बीच आपका स्टार्ट होगा। ये आपका स्टार्ट होगा इस महीने फेब 27 से, और मार्च 2 तक ये फेयर आपका जो है वो दोस्तों जाने वाला है। उस वजह से ये फेयर आपका इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि इस फेयर को इनॉग्रेट किया भारत के त्रिदेव ने, जिनके नाम है आपका
श्री स्मृति जुबिन ईरानी जो भारत की टेक्सटाइल्स मिनिस्टर हैं, इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर हैं, फिर आपके भाई साहब हैं जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, और साथ ही में मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं जिनका नाम है आपका श्री पीयूष गोयल, जो भारत के रेलवे मिनिस्टर भी हैं और भारत के कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं। इन्होंने तीनों ने मिलकर इस पर्टिकुलर भारत का जो पहला टॉय फेयर है जो कि आपका 27 मार्च से 2 फेब तक होगा, उसको इन तीनों भाई साहब ने आपका हाल ही में लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने आपका टाइप किया है फ्लिपकार्ट के साथ, और इस टाइप के साथ जैसे मैं पहले कह रहे थे वुडन टॉयज, लोकल आर्टिफैक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स को ये फ्लिपकार्ट पे आपका सेल करेगा। मैं रिपीट फिर से कर दूंगा, इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टाइप किया है फ्लिपकार्ट के साथ, और इस टाइप में फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर, उसके पोर्टल पर, और उसके पोर्टल पर जो एक कॉलम है वोकल फॉर लोकल, उस पर्टिकुलर कॉलम पे जाकर जो महाराष्ट्र के टॉयज़ हैं, वुडन टॉयज़ हैं, लोकल आर्टिफैक्ट्स हैं और हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनको दोस्तों प्रमोट आपका किया जाएगा। और स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र का स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है और जो महाराष्ट्र का स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड है, उसने ये एग्रीमेंट, ये MOU आपका फ्लिपकार्ट के साथ साइन किया है। यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन बनेंगे। सवाल पहला बनेगा, फ्लिपकार्ट हैज टाइड अप विथ विच स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट वुडन टॉयज, लोकल आर्टिफैक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स। आंसर क्या होगा फटाफट लिखिएगा, आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। क्वेश्चन टू बनेगा, महाराष्ट्र स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड महाराष्ट्र स्टेट खादी एंड विलेजेस इंडस्ट्रीज बोर्ड हैव साइंड एन MOU विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स फॉर प्रमोटिंग वुडन टॉयज, लोकल आर्टिफैक्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। उसका आंसर होगा आपका आपका फ्लिपकार्ट। दोनों ही आप एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, एक पुलिस म्यूजियम आपका बनेगा ऑन द चंबल डिकॉइट्स, चाहे वो आपका फूलन देवी के ऊपर हो, या उनके जो बिलीगर्ड हस्बैंड हैं मान सिंह उनके ऊपर हो, या फिर भूरा डाकू के ऊपर हो। मैंने इन सब डाकू की डॉक्यूमेंट्री देखी है, मेरा पैशन है इनकी डॉक्यूमेंट्री देखना, तो माइट बी उनके ऊपर आपका एक म्यूजियम सेटअप किया जाएगा जो कि मध्य प्रदेश में आपका दोस्त सेटअप होगा, और इसकी जानकारी मध्य प्रदेश पुलिस ने दोस्तों आपकी दी। ये जो म्यूजियम होगा ये हेडक्वार्टर्ड होगा आपका मध्य प्रदेश, भिंड के मध्य प्रदेश में, और इसमें सेवरल यूनिक आइटम्स जो फूलन देवी के या निर्भय गुज्जर के या मानसिंह के रखे हुए हैं, उनको इस पर्टिकुलर म्यूजियम में उनको एक तरह से शोकेस किया जाएगा। तो उस वजह से बड़ा इंटरेस्टिंग सा फॉर्मेट है, जहाँ पर कि आपका एक म्यूजियम बनेगा जिसमें कि जो आपके डेकॉइड्स हैं, जो वहाँ पर आपके बागी हैं, जैसे ये बहुत ही, इरफान सर का भी बर्थडे था कुछ टाइम पहले, तो जंगलों में आपके बागी होते हैं, जंगलों में आपके बागी होते हैं, डकैत तो पार्लियामेंट में होते हैं, संसद में होते हैं, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। एक मूवी आई थी पान सिंह तोमर, उसमें तो ऐसे ही जो डकैत आपके हैं, जो आपके बागी हैं, उनके ऊपर एक म्यूजियम आपका बनेगा भिंड में, और जिसको जहाँ पर फूलन देवी, निर्भय गुज्जर जैसे जो आपके अलग अलग आपके जो आपके डकैत या जो बागी थे उनके उनके जो यूनिक आइटम्स हैं उनको रखा जाएगा। जी बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ें। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने इनॉग्रेट किया है 57,000 वाटर स्ट्रक्चर से ज़्यादा एक कैंपेन, जिसका नाम है आपका जल अभिषेकम कैंपेन, और इस पर्टिकुलर कैंपेन में पूरे MP में आपके अलग अलग जगहों पर वाटर स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे, पाइप वाटर कंडीशन बनाई जाएंगी जिससे वाटर सप्लाई आपकी आसान हो जाए। इस पर्टिकुलर मिशन का मेन फोकस रहेगा वाटर फॉर एवरी फार्म एंड वर्क फॉर एवरी हैंड, मतलब हर एक फार्म, हर एक लैंड के लिए आपका वाटर प्रोवाइड करें, और उन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट मिले। तो उस लक्ष्य के साथ आपका ये मध्य प्रदेश में ये कैंपेन लॉन्च हुआ, इसका नाम है आपका जल अभिषेकम कैंपेन। दो सवाल बनेंगे, पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स लॉन्च्ड द जल अभिषेकम कैंपेन, आंसर होगा आपका राजनाथ सिंह। सेकेंड सवाल बनेगा, इन विच स्टेट द जल अभिषेकम कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड, आंसर क्या होगा आपका, अगेन आंसर आपका मध्य प्रदेश होगा। आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं एक बार पूछना चाहूंगा आप सबसे, सब लोग को इंजॉय कर रहे हो, सबको समझ में आ रहा है, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फीडबैक
pandey.22k@gmail.com पर दे सकते हैं और आपके फीडबैक पर बिल्कुल काम किया जाएगा। हम सबको मिलकर इसे इंडिया का बेस्ट करंट अफेयर शो बनाना है और आपको रेगुलर रहना है। अगर आप रेगुलर हो तो ही फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। और मंडे से हम एक कुछ सर चैंपियन ऑफ चैंपियंस की लिस्ट लेकर आएंगे, तो आपको होमवर्क भी लगातार करते रहना है। चलिए आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, अगले हेडलाइन पर। उससे पहले अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर सांस कैंपेन लॉन्च हुआ है, जो बच्चों की जो जो मोर्टैलिटी है उसके लिए लॉन्च किया गया है। सेकेंड पंख स्कीम लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया गया नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के दिन, जो आपका 24 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। उस दिन आपका पंख कैंपेन जो है उसको लॉन्च किया गया। इंडिया का जो पहला हॉट एयर बलून सफारी है वो भी आपका यहाँ बना है। ट्राईफूड पार्क है वो एमपी में है, प्रखर स्कीम एमपी में है, और 18 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए एक लॉन्च पैड स्कीम, ये भी आपकी एमपी में ही दोस्तों जो है वो बनाई गई है। चलिए आगे बढ़ें अगले हेडलाइन पर। आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर हम एमपी की बात करें तो भारत की जान कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज द हार्टलैंड ऑफ इंडिया, बिकॉज सेंटर में लोकेटेड है, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश है। 1 नवंबर 1956 में आपका फॉर्म हुआ। भोपाल कैपिटल है, इंदौर लार्जेस्ट सिटी है, यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि मेन गवर्नर है उत्तर प्रदेश की। शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हैं। लोकसभा में 29 सीट्स हैं, विधानसभा में 230 सीट्स हैं। नेशनल पार्क में कान्हा है, बांधवगढ़ है, पन्ना है, पेंच है, सतपुरा है, संजय डुबरी है, माधव है, बनविहार है, फॉसिल है और डायनासोर है। ये आपके नेशनल पार्क्स हैं जिनके नाम यहाँ पर आपको मैंने बता दिए हैं, याद रहेंगे सबको, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले गाइस, आरबीआई ग्रेड बी का बैच ऑलरेडी आ चुका है। ये बैच 8 फरवरी को आपका स्टार्ट हो चुका है। अभी सिर्फ 4 क्लासेस हुई हैं, तो आप इस बैच को अभी भी अवेल कर सकते हैं। सिर्फ 700 रुपये का है, और आपको एग्जाम 10 का कोड यूज़ करना है और आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ज्वाइन ज़रूर करें, बिकॉज ये बैच आपके आरबीआई ग्रेड बी की फेज़ 1 तैयारी में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर और यूके स्पेस एजेंसी हाथ मिलाया है फॉर इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्ट। बेसिकली ये जो अग्रीमेंट आपका हुआ है, इट इज़ सपोर्टेड बाय द नेशनल स्पेस इनोवेशन प्रोग्राम, उसने इसको सपोर्ट किया है। और इस प्रोग्राम को आपका टेकअप किया है HR वॉलिंगफोर्ड इन एसोसिएशन विद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, डी ऑर्बिट एंड सेयर्स एंड पार्टनर्स ने। तो जो यूके स्पेस एजेंसी है और जो जम्मू कश्मीर आपका यूनियन टेरिटरी है, मनोज सिंह सिन्हा जी आपके सामने फोन स्क्रीन पे हैं, इन्होंने अग्रीमेंट किया है एक ऐसा इनिशिएटिव जिसमें ये इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्ट करेंगे कि फ्लड फोरकास्ट आपका कब होगा जम्मू कश्मीर में। और उसके लिए जो प्रोग्राम का नाम है वो प्रोग्राम है आपका नेशनल स्पेस इनोवेशन प्रोग्राम, जिसको बनाया है HR वॉलिंगफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, डी ऑर्बिट और सेयर्स एंड पार्टनर्स ने। तो उसके साथ ये प्रोग्राम जो है वो आपका हाल ही में सेटअप किया गया है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, एक नया आपका टेरिटरी है जो कि 31 अक्टूबर को आपका बनाया गया। श्रीनगर इसका कैपिटल है, समर कैपिटल, जम्मू इसका विंटर कैपिटल है। 20 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर आते हैं। इस समय इसका कोई CM नहीं है। 114 विधानसभा सीट्स हैं, 5 लोकसभा सीट्स हैं, और श्री मनोज सिन्हा जो हैं वो इसके इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो यहाँ के सेकेंड लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। उनसे पहले आपके आपके GC मुर्मू वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, और अब सेकेंड लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनका नाम है आपका मनोज सिन्हा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मैंडरिन डक, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये डक की फोटो आपके सामने दी हुई है, एक मैंडरिन डक आपका 118 सालों में पहली बार आपका असम का एक वेटलैंड है, जो कि मगुरी मोटापुंग बील है, जो कि एक वेटलैंड है इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट इन असम, वहां पर इसको स्पॉट किया गया है। इससे पहले 1902 में इसको दोस्तों आपका स्पॉट किया गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग खबर है गाइस कि आफ्टर अ गैप ऑफ 118 ईयर्स, अ डक विच इज अ मैंडरिन डक, इट हैज बीन साइटेड इन द असम्स मगुरी मोटापुंग बील विच इज अ वेटलैंड आफ्टर 1902। क्वेश्चन बनेगा इनमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज बीन साइटेड आफ्टर 118 ईयर्स इन असम। आंसर होगा आपका
मैंडरिन डक, उस डक की फोटो भी मैंने आपको यहां पर दिखा दी है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने इंडियन ऑयल के साथ अग्रीमेंट किया है टू प्रोवाइडिंग अप टू 2 करोड़ रुपीज एज अ लोन टू इट्स ऑयल कंपनी डीलर्स, मतलब जो भी इंडियन ऑयल कंपनी के डीलर्स हैं उनको 2 करोड़ तक का लोन देने की एक सुविधा को लेकर पीएनबी ने आपका टाई अप किया है विद इंडियन ऑयल। बहुत ही सिंपल हेडलाइन है कि जब कभी कोई ऑयल डीलर होगा आईओसी का, इंडियन ऑयल का, वो 2 करोड़ तक का लोन पीएनबी से ले सकता है। ऐसा अग्रीमेंट पीएनबी और इंडियन ऑयल ने आपका किया, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन ऑयल के बीच ये अग्रीमेंट आपका दोस्तों जो है वो हाल ही में आपका हुआ, उस वजह से ये हेडलाइन आपकी जो है दोस्तों वो न्यूज में बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। आईएसआरओ ने आपका मैप माई इंडिया के साथ अग्रीमेंट किया है टू टेक ऑन द गूगल मैप्स विद द होम ग्रोन मैपिंग पोर्टल। हम सब ने गाइस गूगल मैप्स के बारे में जाना होगा, जो लोग ड्राइव करते हैं या जो लोग फ़ोन का यूज़ करते हैं गूगल मैप्स का यूज़ करते हैं फॉर नेविगेटिंग इन अ न्यू एरिया। और इंडिया में ऐसा कोई बहुत ही बेहतर ऑप्शन नहीं था जो कि गूगल मैप्स को टक्कर दे। उसके लिए इसरो ने और मैप माई इंडिया ने, उन्होंने आपका एक टाइप किया है ताकि वो भी एक ऐसा मैपिंग पोर्टल बनाए जिस पोर्टल से आप इंडिया में नेविगेट कर सकें ऑन द इंडियन स्ट्रीट्स। तो गूगल मैप को कम्पीट करने के लिए इसरो ने और आपका मैप माई इंडिया ने दोस्तों टाइप जो है वो हाल ही में किया है। आगे बढ़ते हैं। सिडबी और कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, इन दोनों ने अग्रीमेंट किया है एंड दे हैव टुगेदर लॉन्च्ड दी स्वावलंबन स्कीम और दी स्टैंड अप इंडिया स्कीम। मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये स्कीम के तहत जो भारत के आपके डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस। तो मैं फिर से कर दूंगा इस सिडबी एंड दी कन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, उन्होंने अग्रीमेंट किया है फॉर लॉन्चिंग स्वावलंबन स्कीम, फॉर प्रमोटिंग पीपल टू लॉन्च देयर ओन कंपनीज, देयर ओन स्टार्टअप्स। उसके लिए इस योजना को दोस्तों आपका हाल ही में लॉन्च किया गया है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बेसिकली इट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का है, जिसमें बैंक लोन्स 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक प्रोवाइड होते हैं टू वन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बोरोवर। और ये स्कीम अब आपकी 5 साल और तक चलेगी, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025 तक ये स्कीम आपकी एक्टिव रहने वाली है। तो इस स्कीम के लिए सिडबी और कोवे ने आपका हाल ही में अग्रीमेंट किया है फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स टू शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, ठीक है। और इस स्कीम का नाम है आपका द स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जिसको अभी हाल ही में आपका लॉन्च किया गया है। क्लियर है सबको, याद रहेगा सबको। चल आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू इरडाई, इरडाई क्या है? इरडाई आपका रेगुलेटर है इंश्योरेंस सेक्टर का, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि हैदराबाद में आपका बेस्ड है। तो अगर हम इरडाई की रिपोर्ट की बात करें तो एलआईसी का जो क्लेम सेटलमेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्लेम किया आफ्टर डेथ ऑफ समवन, या आपने मेच्योरिटी का क्लेम किया, तो अब 96.6% रेशियो आपका रह चुका है। जो पहले आपका 97 के ऊपर था वो अब आपका 96.6% है, मतलब 96.6% ऑफ द क्लेम्स आर अप्रूव्ड बाय द एलआईसी का मैनेजमेंट, और ये रिपोर्ट में आया है ऑफ द इरडाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ सिंपल सा बनेगा आपका, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज सेटलमेंट रेशियो गाइज इज एट 96.6%। तो उसका आंसर होगा आपका एलआईसी। अगर आप एलआईसी की बात करें तो 1956 में आपका ये बना, आपका ये 1956 में आपका बना। इसके चेयरमैन है मिस्टर आर कुमार, और बिल्कुल सही। और ये मुंबई में इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो आपके दोस्तों बेस्ड है। कहाँ बेस्ड है आपके ये? मुंबई में आपके दोस्तों ये बेस्ड है। चलिए अब हमारे आखिरी पे आते हैं गाइस। बैंकर बाबू का जीए बैच ऑलरेडी आ चुका है। ये बैच का फी है आपका 999, और ये बैच पे आप एग्जाम 10 कोड का यूज कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आप सबका आने के लिए शुक्रिया। बाकी आगे बढ़े तो
तो वर्ल्ड रेडियो डे आपका 13 फरवरी को आपको ऑब्जर्व किया जाता है. ऑन 13 फरवरी एवरी ईयर द वर्ल्ड रेडियो डे इज बेसिकली आपका ऑब्जर्व. उस वजह से वर्ल्ड रेडियो डे आपका न्यूज़ में है. स्टीवन स्पीलबर्ग ने जीता है इसराइल का जेनेसिस प्राइज फॉर फिल्म फिलान्थ्रोफी. और चाइना ने फरवरी 12 को अपना जो आपका एक लूनर न्यू ईयर है उसको दोस्तों हाल ही में आपका सेलिब्रेट किया. उस वजह से आपका चाइना जो है वो भी आपका दोस्तों न्यूज़ में बना हुआ था. बाकी आज के होमवर्क पे आते हैं. ये रहा आपके सामने होमवर्क. श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इनमें से किस पर्टिकुलर स्टेट में आपका लोकेटेड है, ये क्वेश्चन वन है. क्वेश्चन टू है मेरा आपसे, 36वां नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप इनमें से कब कहाँ कंक्लूड हुआ. तो इन दो क्वेश्चंस को आपको आंसर करने हैं. इनके आंसर करने हैं आपको ऑन द ईमेल आईडी pandey.22k@gmail.com. इस पे आपको आंसर करने हैं, ठीक है, इस पे आंसर करिएगा. और जो दो विनर्स हैं उनके नाम मैं आपको मंडे से डिस्कस करूँगा. तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस. एंड अगर आपको शो अच्छा लगता है प्लीज़ प्रमोट कीजिएगा शो को टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये शो आपका बेहतर लगे. सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग. आई विल मीट यू अगेन नाउ टुमारो ऑन मंडे. बाय बाय गाइस एंड टेक केयर. कीप ऑन वॉच एग्जाम सेंट्रिक, वेयर क्वालिटी मैटर्स. बाय बाय गाइस एंड टेक केयर. बाय बाय.